हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अभी जो सारे आईपीओ चल रहे हैं उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। पिरामिड टेक्नोप्लास का आईपीओ दूसरा दिन है अप्लाई करने के लिए, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें वो भी जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है वो कल की तारीख में ओपन होने वाला है, तो उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख लेते हैं, सारे आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम। उसके अलावा दोस्तों, आज जियो फाइनेंशियल शेयर की लिस्टिंग थी, लिस्टिंग कैसी हुई, आगे क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बात करें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है उसका अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 60 रुपए पर शेयर काफी बढ़िया इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 130 शेयर का लॉट है तो करीबन 7800 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर इसको परसेंटेज वाइज हम देखते हैं तो करीब करीब 55% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो काफी बढ़िया ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। मिनिमम 20% हम सोच के चलते हैं, पर उससे काफी ज्यादा बढ़िया ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो शाम को इसकी एंकल लिस्ट भी आ जाएगी, तब हम डिस्कस करेंगे कि एंकल लिस्ट कैसी आई है, डिमांड आगे कैसी रह सकती है, एंकल लिस्ट पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। दोस्तों बात करें 24 अगस्त को एक और आईपीओ ओपन होने वाला है, विष्णु प्रकाश मुंगलिया का आईपीओ। उसकी भी ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड चल रही है, 40 रुपए पर शेयर, 150 शेयर का लॉट है तो करीबन 6000 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज करीबन 40% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो इसकी भी डिमांड काफी अच्छी चल रही है और इसके रिव्यू का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर, उसके अंदर सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाएगी। फिर दोस्तों, पिरामिड टेक्नोप्लास का आईपीओ, उसमें अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में दूसरा दिन है, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर जो हमारा फाइनल डिसीजन का वीडियो शाम को आपको मिल जाएगा। शाम को इसका जब दूसरे दिन का पूरा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, उसके बाद क्या कि हम डिसीजन बना पाएंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जो दूसरे आईपीओ आ रहे हैं उनके लिए हमें पैसे बचाने चाहिए, तो वो सारी चीजें शाम को डिस्कस हो पाएगी। अभी अगर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं तो 22 रुपए पर शेयर, 90 शेयर का लॉट है तो 1980 रुपए, 1980 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 13%, मतलब 13% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो अभी देखा जाए तो 20% से कम है। अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा रिस्की ही आईपीओ नजर आ रहा है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए, शाम को मैं आपको फाइनल डिसीजन का वीडियो दे दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिलता रहे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर दोस्तों बात करें टीवीएस सप्लाई चेन का जो आईपीओ, उसका अलॉटमेंट स्टेटस 18 अगस्त को आने वाला था पर अभी तक नहीं आया है। लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर आएगा, आज आ जाना चाहिए, मतलब अभी तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक तो नहीं आया, जब वीडियो लाइव हो जाए तो हो सकता है आ जाए, तो आज आ जाना चाहिए। और वैसे भी लिंक इन टाइम लेट करता है तो इसीलिए लोगों ने नाम लेट इन टाइम रखा है, तो देखते हैं अब कब आता है, आज तक उम्मीद है कि आज आ जाना चाहिए, ठीक है। और अभी इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 2 से 3% के आसपास चल रहा है, बहुत कम है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। फिर दोस्तों अभी एसएमई आईपीओ की बात करें तो कोई भी ऐसा एसएमई आईपीओ नहीं है जिसकी डिमांड बहुत अच्छी चल रही हो, मतलब 50 से 60% मिनिमम ऐसे कोई भी एसएमई आईपीओ नहीं चल रहा है, और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी कोई अपकमिंग आईपीओ की भी अनाउंसमेंट नहीं हो रही कि भाई जिसकी डिमांड बहुत बढ़िया हो, तो अभी एसएमई आईपीओ के अंदर कोई खास डिमांड नहीं है। तो दोस्तों ये थे आईपीओ के अपडेट। अब दोस्तों बात करें जियो फाइनेंशियल शेयर की लिस्टिंग थी आज, और लिस्टिंग जो है उम्मीद से भी कम देखने को मिली, मतलब जो मार्केट उम्मीद कर रहा था भी 300 से ऊपर की लिस्टिंग होगी वैसी नहीं देखने को मिली। जियो फाइनेंशियल एनएससी पर 262 रुपए के अंदर लिस्ट हुआ और बीएससी पर 265 रुपए के अंदर लिस्ट हुआ, मतलब जो इसका प्राइस डिस्कवरी हुई थी 261.85 रुपए उसी के आसपास लिस्टिंग देखने को मिली है, और इसके कारण क्या है वो भी हम जानते हैं। और अगर देखा जाए लोअर सर्किट जो लगा है एनएससी पर 248.90 के आसपास, और बीएससी पर जो इसका लोअर सर्किट लगा है 251 रुपए के आसपास। पर देखिए दोस्तों इसके अंदर आज मास सेलिंग भी 3800 करोड़ रुपए, मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फंड्स उनकी भी सेलिंग हो सकती है, क्योंकि अब देखिए ये 51वां स्टॉक था निफ्टी 50 का, और उसके अलावा सेंसेक्स का 31वां स्टॉक था, तो जो भी इंडेक्स फंड वगैरह है वो भी अपने आपको रीसेटल करेंगे, उनका पोर्टफोलियो रीसेटल होगा, तो इसके अंदर सेलिंग तो होगी, ठीक है, सेलिंग इसी कारण भी आई है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राइस जो रिलायंस का एक्विजिशन कॉस्ट था करीबन 133 रुपए के आसपास, और उसके बाद प्राइस डिस्कवरी 261.85 रुपए में, तो ऑलरेडी डबल था, प्राइस तो महंगा ही था, ठीक है। और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चला था, 50 से 60 रुपए, मतलब 300 रुपए से ऊपर की लिस्टिंग होने वाली थी, और कल की तारीख में हमने डिस्कस भी किया था कि भाई 300 रुपए से ऊपर की लिस्टिंग हो सकती है, मतलब जैसी रिलायंस की प्रेस्टिजियस, मतलब जैसी रिलायंस की रेपुटेशन है उस हिसाब से हो सकती है, पर अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, 20 से 30% शेयर ही मैक्सिमम बाय करनी चाहिए। मैंने आपको बताया 10% 20% या मैक्सिमम आप कहें तो 30% शेयर ही बाय कीजिएगा, मार्केट की कंडीशन देखिएगा उसके बाद देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एकदम ऊपर ही चला जाए, नीचे भी आ सकता है। इसीलिए अब अगर हमने आज 10 से 20% शेयर बाय किए हैं तो हम फायदे में रहें, और मैंने भी आज बाइंग की है, मेरी जितनी उम्मीद थी, मेरा जो टारगेट था उससे मैंने 30% शेयर ही बाय किए हैं। फिर मैं क्या है कि अगर और ज्यादा गिरता है तो मैं और बाय करूंगा, और ज्यादा गिरता है तो और बाय करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस पर बुलिश हूं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये शेयर जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है जिस बिजनेस के अंदर आने वाला है, जैसे ब्लैक रॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आने वाला है, और लेंडिंग बिजनेस, मतलब ये जो लोन वगैरह देते हैं बजाज फाइनेंस जैसे उसके बिजनेस में, और उसके अलावा काफी सारी बिजनेस इंश्योरेंस वगैरह है, और अभी जियो पेमेंट्स बैंक है, बाकी पेमेंट गेटवे वगैरह काफी सारे बिजनेस के अंदर ये फाइनेंस से रिलेटेड आने वाला है, तो मैं इस पर बुलिश हूं।
क्योंकि अब मुकेश अंबानी की कंपनी, जैसे इन्होंने जियो टेलीकॉम खड़ा किया है उस हिसाब से जियो फाइनेंशियल से भी मुझे थोड़ी सी उम्मीद है। मतलब ये पर्सनली मेरा व्यू है। और अभी क्या है कि ये कंपनी जो है इनिशियल स्टेज के अंदर है, मतलब अभी लोग क्या है कि एकदम से भर भर के खरीदारी क्यों नहीं करें, इनिशियल स्टेज के अंदर है कंपनी। अभी क्या है कि अग्रेसिवली अपना बिजनेस अभी आगे नहीं बढ़ाया है, तो इनिशियल स्टेज होने के कारण उसका वैल्यूएशन के कारण भी आज गिरावट हमें देखने को मिली है। पर ऐसा नहीं है कि गिरावट होगी, लगातार गिरावट होगी, गिरावट होगी, एक स्तर आएगा उसके बाद क्या है कि वापस शेयर के अंदर तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी, मैंने आपको बताया भी धीरे धीरे करके कीजिए, 10-20% अमाउंट अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके नुकसान नहीं होगा। मैंने आपको कल भी डिस्कशन किया था भाई, आपको लेना भी हो, मैक्सिमम लेना हो, 1,00,000 रुपए के शेयर लेने हो तो 10,000 या 20,000, मैक्सिमम 30,000 के शेयर लीजिएगा, इससे ज्यादा मत लीजिए। कल की तारीख में हमने डिस्कस भी किया था, सारी चीजें डिस्कस की थी। और धीरे धीरे एंट्री बनाना ही सही है, क्योंकि अब देखिए आपने 1,00,000 रुपए के शेयर लेने थे, आज अगर आपने 20,000 के शेयर लिए तो आपके पास 80,000 रुपए और हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब प्राइस एवरेज करने के लिए। अगर आप सीधा यार 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते तो आपको नुकसान हो जाता, मतलब आप फिर प्राइस एवरेज कैसे करते, फिर तो क्या है कि वो शेयर की उस प्राइस पर आने तक और ज्यादा टाइम लग जाता। मान लो 200 रुपए चला जाता है और हमने 262 रुपए में ले लिए, फिर क्या है कि हमारे पास अगर 80,000 रुपए वो एक्स्ट्रा नहीं होते तो हम एवरेज नहीं कर पाते, तो एवरेज नहीं कर पाते, 200 से 262 आने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता। अगर मान लो हमारे पास 80,000 रुपए और है, मतलब 20% एंट्री बनी है, तो हम क्या है कि 200 रुपए में और शेयर बाय कर सकते हैं, तो हमारा प्राइस जो है एवरेज हो जाएगा। फिर क्या है कि मान लो 220-230 हमारा अगर प्राइस एवरेज हो गया तो 200 से 230 आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना 262 जाने में टाइम लगेगा। तो अगर हमारे पास पैसे होते तो हम उसको एवरेज भी कर सकते हैं, ये फायदा है। इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में बाय कीजिए, वो सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। और देखिए दोस्तों इसके अंदर बाइंग भी आई है। बाइंग कैसे आई है, देखिए बीएससी पर ये अपर सर्किट भी लगाया, बीएससी पर 278 रुपए पर जाकर आया है, उसके बाद वापस लोअर सर्किट लगाया है, तो इस पर बाइंग तो आई है। ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं आ रही, बाइंग आएगी पर धीरे धीरे करके आएगी, इसका एक लेवल बनेगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन ऑलरेडी ज्यादा है 261.85, क्योंकि मार्केट के अंदर जो उम्मीद की जा रही थी कि भाई 190-200 रुपए के आसपास मैक्सिमम इसकी प्राइस हो सकती है, 190 रुपए जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, उन्होंने बताया था 190 रुपए इसकी मैक्सिमम प्राइस होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उससे 261.85 ऑलरेडी ज्यादा थी, तो इसी कारण थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिला। हालांकि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अब एजीएम भी होने वाली है 28 अगस्त को, उस पर भी ध्यान रखिएगा, उसके अंदर इसके बिजनेस वगैरह भी अनाउंसमेंट होने वाली है। अब देखते हैं जिस हिसाब से लोग उम्मीद जता रहे हैं उस हिसाब से अगर इसका बिजनेस आगे ये अग्रेसिवली करते हैं तो आगे शेयर के अंदर हमें फायदा देखने को मिल सकता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज खरा नहीं उतरता, मतलब जियो फाइनेंशियल के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाता है, तो वो अलग बात है, भाई ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है जियो फाइनेंशियल के जो बिजनेस है उनको आगे नहीं बढ़ाएगा या एग्रेसिवली नहीं करेगा, क्योंकि आप इसका उदाहरण देख सकते हैं काफी सालों बाद कोई रिलायंस का शेयर आया है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं उदाहरण की जियो टेलीकॉम कंपनी भी इन्होंने बढ़ाई है, तो उम्मीद है कि आगे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहना चाहिए। तो इसीलिए देख देख के आराम से बाय करें, जल्दबाजी ना करें। और बाकी दोस्तों कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें, मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूं और ताकि क्या है कि आपकी हेल्प हो। और दोस्तों आप लोगों ने कितने कितने शेयर बाय किए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।